हेलो दोस्तों, मैं हूं नवल और आप देख रहे हैं स्मार्ट थिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आपके डिवाइस में एंड्रॉयड पी इंस्टॉल करके उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसका यूज़ करके उसका मज़ा ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट में अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड ओरियो अपडेट हुआ है और एंड्रॉयड 9 यानी कि एंड्रॉयड पी अभी भी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। अभी भी कौन से भी मोबाइल को एंड्रॉयड पी नहीं आया है। तो आप फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं कि एंड्रॉयड पी का लुक किस तरह से, एंड्रॉयड पी यूज़ करने में किस तरह से ओरियो बेटर है, एंड्रॉयड पी बेटर है, तो आप इस लॉन्चर को डाउनलोड करके आप उसका पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूंगा कि एंड्रॉयड पी आपको किस तरह से लुक देने वाला है आपके मोबाइल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड पी इंस्टॉल किया हुआ है इसमें अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे इस तरह का आपको लॉन्चर मिलने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में लॉन्चर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सर्कल में मिलते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वॉलपेपर है तो बैकग्राउंड में ब्लर हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया, जिस तरह के जैसे कि एप्पल को जिस तरह से इफेक्ट मिलता है कि उसी तरह का थोड़ा बहुत इफेक्ट इसमें भी मिल जाता है आपको। तो इस तरह से बैकग्राउंड जो इमेज है, बैकग्राउंड जो आपका वॉलपेपर है वो ब्लर हो जाता है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको लुक मिलता है। तो यहाँ पे आप सब एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कितनी बढ़िया लुक मिल जाता है आपको यहाँ पे। और जो आइकॉन है, जो आपके आइकॉन है वो भी दिखने में बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे हम ये मेनू स्वैप करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है लुक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे लुक मिल रहा है आपको एंड्रॉयड पी का। तो ये लॉन्चर डाउनलोड करके आप एंड्रॉयड पी का पूरी तरह से मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से एंड्रॉयड पी का मज़ा मिलने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा पूरी तरह से यहाँ पे आपको ऊपर ही पूरे टॉर्च, कैमरा, कैलकुलेटर इस तरह के पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कितना यूज़ किया है आपने, डेटा, यहाँ पे स्टोरेज कितना स्पेस बचा हुआ है आपका, आप यहाँ पे पूरा दिखाई देगा आपको। तो आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल जाता है। और यहाँ पे ऊपर गूगल का डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आप क्लिक करके कोई कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको यहाँ पे मैंने देखा यूज़ करके तो यहाँ पे कुछ लैगिंग वगैरह इस तरह का कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों आपको ये डाउनलोड कहाँ से करनी है और किस तरह से आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, तो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। आपको प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड की हुई है पी लॉन्चर। तो आपके प्ले स्टोर के में यहाँ पे टाइप कर दीजिए सिर्फ पी लॉन्चर और ओके पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैंने ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा, वेलकम टू पी लॉन्चर। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको एंड्रॉयड थीम रखनी है या सर्कल थीम रखनी है, आप रख सकते हैं आपको जो मर्जी। और नेक्स्ट में आपको डार्क रखनी है या लाइट रखनी है वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे पिक्सेल साइज, पिक्सेल स्टाइल रखनी है या क्लासिकल स्टाइल रखनी है वो भी रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। यहाँ पे आप ऑल ऐप बटन देने या नहीं देने वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आपको आइकॉन की साइज स्मॉल, नॉर्मल या फिर लार्ज क्या रखनी है वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको हर एक कस्टमाइज मिलता है, पूरी तरह से कस्टमाइज मिल जाता है। तो दोस्तों आप ये लॉन्चर इस तरह से डाउनलोड और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देख लिया इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। इस बार हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। और ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको हर रोज मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।